हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा। ये सेकेंड मेथड कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं बिना कुछ यूज करे, बस अपने फिंगरिंग्स का यूज करके अपने को टेबल सीखना है। ओके, तो देखो मैंने बोर्ड पे एक फिंगरिंग्स ये बनाया है कि ये जीरो, दिस जीरो एंगल, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, और थंब के इधर का जो एंगल रहेगा इसको आपको क्या लेना है, साइन, इधर के साइन लेना है, साइन की वैल्यू लेंगे। और इसमें स्मॉल फिंगर जो है इससे इसको कॉस की वैल्यू लेंगे। ओके, जैसे मुझे आप जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करो। ओके, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये थंब है ना, तो यहाँ पे साइन जीरो, ये जीरो एंगल लिया मैंने, तो इधर कुछ फिंगर बचेगा। जैसे मैंने ये साइन जीरो ले लिया तो इधर तो कुछ फिंगर बचे नहीं। ओके, और इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है अंडर रूट एक्स अपॉन टू, अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ फिंगर्स है, क्या है, नंबर ऑफ फिंगर्स है। तो आपको मैंने जैसे साइन ये जीरो फाइंड किया है, इधर मेरे पास कुछ भी फिंगर नहीं है, मतलब क्या बचा, जीरो बचा, तो जीरो अपॉन टू मतलब जीरो, साइन जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो मैंने ये साइड लिया है ना, तो इधर फोर फिंगर बचे हैं, है ना, ये फोर, इधर के साइड के कौन क्या लेना है, अपने को कॉस एंगल लेना है, फोर अंडर रूट फोर हो गया, है ना, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट फोर हो गया, अंडर रूट फोर कितना हो जाएगा, टू, टू बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, तो ये कॉस वन आ जाएगा। फिर से समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं, ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये जीरो एंगल हो गया, जीरो एंगल, इधर क्या साइन एंगल हो जाएगा, इधर से कॉस हो जाएगा। अब ये जीरो एंगल फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो इधर कुछ फिंगर्स बचे क्या, कुछ भी नहीं, तो मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स जीरो हो गया, तो जीरो अंडर रूट जीरो अपॉन टू, तो जीरो बाय टू जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। मैंने क्या बोला था कि इधर के वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज क्या लेना है, साइन लेना है, और इधर के वैल्यूज क्या लेना है, कॉस के लेना है। अब मैंने ये साइन जीरो का लिया तो इधर कितने फिंगर्स बचे थे, फोर फिंगर्स बचे थे, फोर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, टू हो गया, तो टू बाय टू कितना हो गया, वन हो गया, ये मिल गया। दूसरा ये थर्टी एंगल है ना, जीरो, थर्टी, फोर्टी फाइव, सिक्सटी, नाइनटी एंगल से, ये है आपका थर्टी। अब इधर कितने फिंगर्स बचे, वन फिंगर्स बचे। ओके, तो अंडर रूट वन क्या हो जाएगा, वन, तो वन बाय टू, अंडर रूट वन है ना, अंडर रूट वन बाय टू, तो वन बाय टू हो जाएगा, साइन थर्टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू आ गई, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्या बचा, इधर मेरे पास कितने फिंगर्स बचे हैं, थ्री फिंगर्स। जो एंगल ले रहा हूं ना उस एंगल को काउंट नहीं करना है, उस एंगल को छोड़ना है, तो उस एंगल के इधर साइड है थ्री फिंगर्स, तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा, एक्स की जगह क्या, एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ फिंगर्स है ना, तो एक्स बाय अंडर रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री बाय टू आ गया। ओके, 45 एंगल्स पे आ जाओ, अब 45 एंगल्स यहाँ पे देखो, है ना, ये 45 एंगल्स, इधर कितने बचे, टू बचा, और इधर भी टू बचा, पहले साइन का देखो, तो साइन अंडर रूट टू हो गया ना, ये देखो अंडर रूट टू अपॉन टू, तो अंडर रूट टू, इस टू को आप अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकते हो, ये कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन रूट टू लिख सकते हो, मतलब साइन 45 कितना हो जाएगा, वन बाय रूट टू, तो ये भी उतने ही वैल्यूज बचे हैं, यहाँ पे भी वन बाय रूट टू हो जाएगा। कॉस 60 देखो, ये हो गया जीरो, 30, 45 और ये 60, ये 60 में लेफ्ट हैंड साइड में कितनी फिंगर्स बचे, थ्री फिंगर्स बचे, तो मतलब साइन 60 कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू। ओके, ये साइन 60 हो गया, साइन 60 रूट थ्री बाय टू, तो इधर कितना बचा, वन, तो ये कॉस हो गया वन बाय टू। ओके, अब 90 पे आ जाओ। ओके, 90, ये 90 एंगल हो गया, इधर कितने फिंगर्स बचे, फोर फिंगर्स बचे, फोर अंडर रूट फोर कितना होता है, टू, टू बाय टू वन बचेगा, तो ये साइन क्या हो गया, वन हो गया। ओके, और कॉस इधर कुछ बचे क्या, कुछ भी नहीं बचा, मतलब जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो, तो एक फिंगर
अपने एक हैंड से भी अपन पूरा टेबल बना सकते हैं। अपने रेशियोज इसमें कुछ फार्मूले देखे थे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस और cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो बाकी के फार्मूले आप इनको यूज करते हुए देखो, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको, इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करके ये टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको सारा ये फिंगरिंग का यूज करते हुए ही आप टेबल बनाना सीखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।